देखो आज हमने परम गति के बारे में, गोला के बारे में और अर्धगोला के बारे में, दोनों एकदम साथ साथ के टॉपिक है, दोनों टॉपिक एक साथ कवर करूं, क्लियर है? अब बात करे गोला के, ठीक है ना, क्लियर है? गोला के तू बोर्ड पर ड्रॉ ना कर सकते, ठीक है ना, काहे ते त्रिविमीय आकृति कथी है, त्रिविमीय, क्लियर भलक ना बात, त्रिविमीय आकृति के तू कभी बोर्ड पर वो ड्रॉ ना कर सकते, ओकरा हमनी फिगर के माध्यम से समझा, जैसे देख ई गोला टाइप के, ठीक है ना, गोला, अब एकरा बोर्ड पर ऐसे फोटो रख सकते, बोर्ड पर ऐसे फोटो ड्रॉ ना हो सकते, बोर्ड पर सिर्फ द्विविमीय आकृति 2D डायमेंशन फिगर आराम से ड्रॉ हो सके, क्लियर है बात ना, ई त्रिविमीय आकृति है, ई ड्रॉ ना हो सके, लेकिन फिर भी एगो एज्यूम कर लै छी कि ई कथी है गोला है ना, वृत्त में जैसे सिर्फ त्रिज्या की आवश्यकता पड़े ना, सिर्फ त्रिज्या के आर के, उसी तरह गोला में भी सिर्फ त्रिज्या की आवश्यकता पड़े, ठीक है ना, एक बीचों बीच में वो सेंटर होते, कोई भी पूरा गोला में कोई भी ऐसा तो जगह होती ना जहाँ बीचों बीच सेंटर है, वहां से लेके और चाँद तक की दूरी जैसे वृत्त में त्रिज्या कहे छे, वैसे गोला में भी त्रिज्या कहे छे, अब वृत्त में और गोला में की डिफरेंस है, तो गोला त्रिविमीय आकृति और वृत्त द्विविमीय आकृति, क्लियर बात ना, अभी कोई दिक्कत ना, ठीक, एकरे जब आधा आधा काट देल जाय छी, ठीक है, तो ई कथी माने अर्ध गोला, अर्ध गोला के मतलब की भेल, कोनो चीज अर्ध गोला, जैसे वृत्त पर ली तो अर्ध वृत्त मतलब आधा, उसी तरह गोला तो ओकर अर्ध गोला का मतलब आधा, गोला की इंग्लिश में वो कथी छै स्फीयर और अर्ध गोला का कथी छै हेमोस्फीयर, क्लियर बात, एमे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, अब चलै छी बात करै छी फार्मूला के बारे में, अब गोला के अगर बात करै छी जैसे वृत्त में त्रिज्या होइ छै गोला में त्रिज्या, तो पहला देख एकर की करै के है ना, वक्र पृष्ठ के भी क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के भी क्षेत्रफल दोनों बराबर, क्लियर है बात ना, अभी कोई दिक्कत नहीं ना, गोला के वक्र पृष्ठ का है चाहे संपूर्ण पृष्ठ का है दोनों बराबर, क्लियर है बात, लेकिन देख अभी हमने पहले बेलन, तो बेलन है वक्र पृष्ठ अलग संपूर्ण पृष्ठ अलग है ना, लेकिन गोला में ना वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों अलग, हाँ अर्धगोला में अगर जाए तो वही में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों अलग अलग हो जाए, क्लियर है, समझ में आ गया ना, अब बात करिए फॉर्मूला के, देखो जैसे पहला फॉर्मूला है गोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्र, गोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्र बराबर 4πr², क्लियर है, 4πr², जैसे पाई की वैल्यू वृत्त में 22/7, क्षेत्रमिति में हर जगह पाई की वैल्यू कितना 22/7, अगर क्वेश्चन में कभी कहे कि पाई के वैल्यू 3.14 लीजिए या जो भी दे रहा लेवल है वो ले लें, लेकिन अगर क्वेश्चन में ना कह रहा तो कथी लेम पाई के मान 22, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, जैसे वृत्त में त्रिज्या वैसे गोला में त्रिज्या, क्लियर है बात, जैसे वृत्त में व्यास वैसे कभी कभी क्वेश्चन में गोला के भी व्यास दे ले रहा, ठीक है, तो जैसे वृत्त में निकाले छी d/2 करके आर के वैल्यू, वैसे ही व्यास में भी गोला में भी निकाल, क्लियर है बात, अब दूसरा फॉर्मूला गोला के आयतन, कथी है गोला के आयतन, गोला के आयतन बराबर 4/3πr³, क्लियर है बात, बस ये दो को फॉर्मूला वो गोला में याद कर लिए सारा चीज क्लियर हो जाए, ठीक है ना, वृत्त में हमने पढ़ चुकल छी r बराबर d/2, तो ये फॉर्मूला के बारे में पढ़े कोई जरूरत है ना, वैसे अगर क्लियर नहीं है तो नोट कर सके छी r बराबर d/2, क्लियर है बात ना, अभी कोई दिक्कत ना, ठीक है, अब अगर बात करै छी अर्धगोला के, देखो जैसे एकरा फोड़ देली गोला रहला ओकरा फोड़ देली, ई कथी बन गेल अर्धगोला, क्लियर बात ना, ई कथी बनल अर्धगोला, अब अर्धगोला में वक्र पृष्ठ भी और संपूर्ण पृष्ठ भी, क्लियर बात ना, का है इधर एगो वृत्त देख बन जा रहा है साइड से, ई वृत्त बन जाए, कथी बन जाए था वृत्त बन जाए, और इधर ई वाला कथी वक्र पृष्ठ के क्षेत्र, तो अगर खाली बात करत वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल तो 2πr² लिखम, अगर बात करत संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल तो एगो वृत्त के क्षेत्रफल ऐड कर देम तो कितना 2πr² प्लस 1πr² तो कितना 3πr², ठीक है, समझ में आ गेल, तब अर्धगोला के फॉर्मूला नोट कर लै छी, ठीक है, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, वक्र पृष्ठ का क्षेत्र बराबर 2πr². अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर में 2πr² तब वो वक्र पृष्ठ और एगो वृत्त बन गेल ई वाला, क्लियर है ना, तो प्लस πr², क्लियर, दोनों के ऐड करम वो तो कितना हो गया πr², ठीक है, वेरी गुड, बहुत समझ में आ गया, अच्छा
अब गोला के आयतन है तो अर्धगोला में भी आयतन हो, जैसे कटोरी में जो दाल खाई छे हमनी उ कथि अर्धगोला के एग्जांपल ले सकै छी, क्लियर है। तो ओमे आयतन पता करे मतलब एक कटोरी में कितना कोई द्रव आ सक रहल तो ओकरा बारे में पता करे को कथि के फार्मूला के हम आयतन कथि लिखब अर्धगोला के आयतन बराबर अर्धगोला के आयतन बराबर 2/3 क्लियर। बस इतने फॉर्मूला तोरा रटे के है गोला और अर्धगोला दोनों में, ठीक है, रटे के भी समझे के जी, क्लियर बात ना, हमें कोई दिक्कत ना। चलो 3 2 5 के फॉर्मूला टोटल रट जाए के अर्धगोला और गोला दोनों के लिए कंप्लीट है और r बराबर d/2 हमने के पहले से नॉलेज। अब चलिए क्वेश्चन तरफ, क्लियर है, नोट कर फॉर्मूला फिर क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन है कहते हैं गोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, याद रखे वो गोला में सिर्फ और सिर्फ कथी जरूरी त्रिज्या के जरूरी, बाकी कोनो चीज के बारे में ना सोचे के। त्रिज्या है तो तू सब चीज निकाल सके, वक्र पृष्ठ निकाल सके, संपूर्ण पृष्ठ निकाल सके, आयतन निकाल सके, चाहे गोला के बात करम चाहे अर्धगोला के बात करम, क्लियर है। ओमे खाली आवश्यकता कथी के है त्रिज्या के आवश्यकता, याद रहते ना बात, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन में त्रिज्या दे ले मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एगो एग्जाम्पल के तौर पर समझ ले फॉर्मूला रिविजन हो जाए, क्लियर। त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें, क्लियर है। गोला में चूंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो ना तो खाली दूगो चीज क्वेश्चन दिला कि संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का ज्ञात करे के, ठीक है ना। बस अब निकाल लेबो त्रिज्या आर बराबर कितने दिला है 7 सेंटीमीटर है ना, अब बस फॉर्मूला लिख हम वैल्यू पुट करम आंसर हाथ में, ठीक है। लिखे क्या गोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² क्लियर, 4 × π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितना दे लेबो 7 और r स्क्वायर है तो क्या 7 के स्क्वायर का, ठीक है। 4 × 22/7 और × 7 के स्क्वायर कितना 49, 7 × 7 = 49 है ना, अब 7 × 28 है, 22 × 7 करूं कितना 616 cm². जब भी क्षेत्रफल निकाले क्या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर का जो भी क्वेश्चन मात्रक लड़त ओकर स्क्वायर दे दे, क्लियर है ना। अब कहते गोला के आयतन फिर ऐसी फॉर्मूला टाइप करें गोले के आयतन, गोला के आयतन बराबर 4/3 πr³, ठीक है, 4/3 π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितना 7 के क्यू कर देते हैं, 4/3 × 22/7 और 7³ है मतलब आपस में 3 × 7 1 7 × 7 कट गया। अगर क्यों विरक्ति करती कोई दिक्कत ना, लेकिन भाग थोड़ा लंबा हो, अच्छा यही है कि 3 × 7 लिख रहे, क्लियर। अब गुना कर देवे है ना, गुना करके लिखे वो 7 × 49 नीचे तो वो बट्टा में खाली 3 रह गए, ऊपर के गुना कर ले 22 × 88 या 7 × 49 है ना, 88 में 49 से गुना कर देवे है, 9 × 8 = 72 के दो हाथ में 7, 9 × 8 = 77 8 × 32 = 3 8 × 32 = 3 35 जोड़ दे 2 × 9 = 11 के एक हाथ में 1, 7 × 8 = 15 तीन हाथ में 1, 3 × 1 = 4 कितना 4312/3 ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर, क्लियर। ये तो गल फार्मूला बेस्ड, अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बात करी छी अर्धगोला के, ठीक है, अर्धगोला के सेम यू फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कह दी, यदि अर्धगोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें, ठीक है। बस जैसे जैसे एक फॉर्मूला लेके बना ले वो वैसे ही एक बना देवे क्या, देखिए क्या अर्धगोला के पहले वक्र पृष्ठ के बात कहते थे, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr², ठीक है, 2π की वैल्यू कितना 22/7, r की वैल्यू 7 है, 7 के स्क्वायर, 1 7 × 1 7 कट गया, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28 के 8 हाथ में 2, 14 × 28 = 28 = 30, 308 cm², क्लियर। अब कह रहा है अर्धगोला के वक्र पृष्ठ के बाद संपूर्ण पृष्ठ, फिर फॉर्मूला लिखे कैसे वो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3πr² है ना, 3 × π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितना 7 के स्क्वायर, ठीक है, 1 7 × 1 = 7 कट गया, मतलब 7 × 3 = 21, 21 में 22 से गुना करते हैं, ठीक है,
441 में जोड़ दे कितना वो 21 एक एक दू चार दू छ कितना वो 462 क्लियर। अब बात कर ले आयतन के, फिर आयतन की फॉर्मूला इसे लगा देवे क्या हो जाए ठीक है। इधर देख लो अर्धगोले के आयतन, अर्धगोला के आयतन बराबर 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की सात के क्यूब ठीक है ना, यानी 2/3 कूने 22/7 और 7 के क्यूब में कितना 343 सात से काटा 49 मरता 300 कटे वाला है ना वो, अब गुना करके जितना है आंसर लिख दो 3 नीचे वाला 3 रहेगा और 22 × 44 में 49 से गुना कर दो 2156 ये का सेंटीमीटर क्लियर समझ में आ गया। ये है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल आसान है, बस फार्मूला रिवीजन के लिए नहीं क्वेश्चन अलग एकरा बात समझे में फार्मूला के आधारित ही रहत लेकिन थोड़ा डिफरेंस रहा ठीक है ना, तब क्वेश्चन समझ ठीक है। नोट देखो अब इससे पहले रहा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नॉर्मल तिरजा दे रहा, अब जो क्वेश्चन है दूगो क्वेश्चन का सामने है, एगो आयतन दिले है एगो दिले है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिले है गोला क्लियर है बात, गोला के वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर है बात के दिमाग में बैठा ले वो ठीक है, चाहे गोला वक्र पृष्ठ की बात करे चाहे संपूर्ण पृष्ठ की बात करे फॉर्मूला एक के लागू करम 4πr2। पहले हमने आयतन से शुरू करेंगे फिर वक्र पृष्ठ वाला क्वेश्चन बनाएंगे ठीक है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए करल है, यदि किसी गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो क्लियर है बात। अब सोचे क्या कि पृष्ठ क्षेत्रफल में कथी की आवश्यकता पड़ेगी, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला सोच ली 4πr2 स्पेशल फॉर्मूला हो, अब उसमें कथी त्रिज्या की आवश्यकता है क्वेश्चन तो देले है कथी आयतन, तो सबसे पहले हम त्रिज्या की व्यवस्था करें फॉर्मूला लगाएं आयतन के लेकिन निकालम वैसे कथी त्रिज्या क्लियर बात ना। लिखे गए गोले के आयतन बराबर, गोला के आयतन आयतन बराबर 4/3 πr³ आयतन 38,808 दे ले या लिख देवे के 38,808 बराबर 4/3 π की वैल्यू 22/7 गुने r ना दे ले वो r की जस के पास छोड़ दे ताकि हमरा r की वैल्यू निकाल दे ठीक है ना बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं 38,808 इक्वल टू 22 × 4 कितना 88 आर की बट्टा में 7³ क्लियर है, ये पूरा ऊपर से गुणा कर ली नीचे 7³ ठीक है ना। अब एकरा ये जाना कुछ एक मान लेबे क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा गुणा 88 r³ में 1 से गुणा के लिए कोई फर्क ना 88 r³ लिख देबू जी, ओकरा बाद 38,808 × 21 गुणा ना करिए लेंदी हो जतो ठीक है ना, बस एते ही काट देबे के r³ बराबर लिखे के 38,808 × 21 कितना 88 क्लियर है जी। अब एकरा काटेंगे कैसे काटा 11 से ना जी, ऐसे 8 × 3 = 11 में से 8 में 0 जोड़ ली 8 और 19 में से 8 काटम कितना 11 मतलब 11 से ही संख्या कट जाए ना, तो 11 से काटम सबसे पहले है ना 11 से 11 × 8 = 88 क्लियर है। 11 से 11 × 3 = 33 5 5 1 मिनट 11 × 3 = 33 38 में से 33 कितना 58 11 × 11 = 55 3 × 3 = 0 30 है ना, 11 × 3 = 33 है ना, 11 × 3 = 22 11 × 22 लगे 30 में से 22 लगे 8 8 × 8 = 11 = 88 क्लियर है। अब 8 से एकरा काटे के व्यवस्था लगा 8 × 8 = 32 है ना 8 × 32 3 × 3 = 32 8 × 8 = 441 क्लियर। अब 441 वो की कर 21 के स्क्वायर हो लिखे r³ बराबर 441 जहाँ पर लिख लें 21 × 21 × 21 ठीक है। अब चूंकि इधर q है ना इधर कथी है q है तो जब हम r के वैल्यू निकालम वो ठीक है ना r³ बराबर कितना r के वैल्यू निकालम तो q इधर है यहाँ 3 लिख दें और यहाँ कथी 21 × 21 × 21 मतलब 3³√21 × 21 × 21 मतलब 3 को ऊपर एगो आउट। अब रूट हटा तो कितना आंसर निकल जाता 21 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वैल्यू आ गया, जब त्रिज्या के वैल्यू आ गया ओकरा बाद कथी निकाल लेबे के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल चाहे जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल देले निकाल लेबे के, बस फॉर्मूला पुट करे के है कि गोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
बराबर 4π, चाहे बकपिस्ट कहे चाहे संपूर्ण पिस्ट कहे, 4πr2। गोला के बात करें तो अर्धगोला रहत अलग, ठीक है ना। अब लिखे यहाँ 4 × π की वैल्यू कितना 22/7, और r की वैल्यू कितना है वो अभी निकल रहा कितना 21 सेंटीमीटर, 21 के लिए स्क्वायर करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 22/7 और 21 के 2 बार लिख लिए, अगर मन हो तो स्क्वायर करके भी लिख लें, लेकिन 21 × 21 लिखे काटे में आसानी रहा, ठीक है ना। कैलकुलेशन से ज्यादा ना बचे के है ना, 7 × 3 कितना 21, क्लियर है। अब सब गुना कर देखो, 4 × 3 = 12, 12 × 21 से गुना कर 21 × 22 से कितने अलग बता दो, 4 × 3 = 12, 12 × 21 से है ना, 12 × 1 = 12, 2 × 1 = 24, 25 = 252 है ना, और उसमें कितना से 22 से गुना कर देखो, 22 × 44 के 4 × 4 = 4, 22 × 5 = 110, 110 × 4 कितना 114 के 4 × 11, और 22 × 44 = 11 कितना 55 कितना आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, कही था एक गोले का वक्र अभिमेय में दिला है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, का दिला है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तब कही था उसका आयतन क्या है, तो आयतन के फॉर्मूला भी कभी 4π/3πr³ गोला के वही में भी त्रिज्या कह सकता, तो पहले वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा करके और त्रिज्या के वैल्यू प्राप्त कर लो, ठीक है। जब त्रिज्या के वैल्यू मिल जाए तो फिर आयतन के फॉर्मूला के आयतन निकाल लेवे के, क्लियर भेल बात, ठीक है। अब आगे नोट करो, आगे लिखे क्या है एक क्वेश्चन या सोल्यूशन देख, वक्रपृष्ठ लिख हम गोला के वक्रपृष्ठ, गोला के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का है चाहे संपूर्ण पृष्ठ, एक ही फॉर्मूला 4π r², ठीक है। 616 क्षेत्रफल दे ला, यहाँ लिख देगा 616 क्षेत्रफल के सामने 4π के वैल्यू कितना 22/7, और r न दे ले r के r² जस के पास, ठीक है। अब गुना कर 616 बराबर है 22 × 4 कितना 88 r² बट्टा में कितना 7, अब क्रॉस मल्टीप्लाई वो कर देवे क्या 88 r² में 1 से तो कितना 88 r² बराबर है 616 × 7, क्लियर है। यानी r² में कितना 616 × 7 अब बट्टा में कितना 88, ठीक है। अब काटेगा देख, फिर 11 से कट जाए वाला है ना, देख 6 × 6 = 12, अब 12 में से एक कितना 11, 11 से कट जाए तो 11 × 8 = 88, 11 × 5 = 56, 8 × 7 = 56, 49 और कितना आर के वैल्यू आ गया 7, क्लियर है बात, एमे कोई दिक्कत है ना, आर के वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब निकाले कथी आयतन निकालने का, बस आयतन के फॉर्मूला लागू करे क्या बना लेते, यहाँ देखो लिखे क्या है गोला के आयतन, गोला के आयतन 4/3 πr³, 4/3 π के वैल्यू कितना 22/7, और r के वैल्यू कितना 7, और 7 के क्यूब, क्लियर है ना। अब लिखो 22 कितना 88 बट्टा में 7 × 3 कितना 21, और गुने 7 के 7 3 बार लिखते 7 × 7 × 7, ठीक है, 7 × 7 = 21, 3 × 7 = 88 ना कटे वाला सीधे गुना करके लिखते हैं वो 7 × 3 7 × 7 = 49 से गुना कर देगा 49 × 88 9 × 8 = 72 8 × 32 32 × 7 कितना 39, फिर 10 × 392 जोड़ देगा 42, 2 × 9 = 11 के एक हाथ में 1, 9 × 10 = 13 43 × 12 कितना 43 × 12 कितना सेंटीमीटर, ठीक है। अभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट, बस यही टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे, एक बार अनुपात में क्वेश्चन है 2 × त्रिज्या कर दिया जाए इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर आगे क्वेश्चन के माध्यम से, क्लियर है बात, ये है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो अब जो क्वेश्चन है कहते कि 10 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघला कर, इस शब्द के याद रखिए, पिघला कर और बनाई जा सके जब ही क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन देख एक क्वेश्चन भी देख, कहते 8 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले में 2 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, जब भी गोले बनाए जा सकते हैं टाइप का क्वेश्चन पूछे, मतलब सिंपल समझ के लड़के में गोली गोली खेली हम जाके इतना माटी ले गई गील माटी सान के इतना पहले गोली बना ली, और फिर छोटी 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 गोली तोड़ तोड़ के छोटका छोटका गोली बनाए, जब गुलेटी मिला के टाए 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 है ना, तो छोटका छोटका गोली बनाए हमें है ना। अच्छा उसे देखे घर पे आटा इतना लग उठा गया पहले, और फिर छोटी 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 गोली पार के बनाबी, तो मतलब कहा कि अब तक वो आटा के गोली है बड़का है ना, अब छोटा 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 सा कितना रोटी बन सकती है, तो पहले पूरा आटा क्या आता ना, तब एक रोटी क्या आता निकाल के भाग मिले, समझ में आ गया बात, क्लियर है ना।
वैसे ही क्वेश्चन देखे कहीं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब एगो अब तक गोली है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना 8 सेंटीमीटर त्रिज्या ओए में कहीं दे कि छोटी 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 ऐसन गोली जेकर त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं क्लियर है तो दोनों के आयतन निकालना एक बार 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन और एक बार 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन ठीक है और भाग दे दें 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन जितना आयत उसमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से भाग दे दें ठीक है जितना आयतन दोनों का आयतन निकाल लो क्लियर है तो बस आयतन निकाले क्या लिखे क्या आठ एक एक लाइन में लिख लेबू देख पाई की वैल्यू भी ना रखे सीधे निकल जाए सीधे निकल गया अभीष्ट गोला बराबर यानी बनाया जा सकते गोले अभीष्ट गोला बराबर ठीक है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बटा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पाई को और कैलकुलेशन के बढ़ावे के ना कि दोनों से दोनों कट जाए यहाँ लिखे कि 4/3 पाई और बड़का गोला है तो बड़का आर दे दोगे 4/3 पाई आर क्यू और बटा 4/3 पाई आर क्यू छोटका त्रिज्या छोटका आर क्लियर है बात ना पाई से पाई कट गए 4/3 से 4/3 कट गए ठीक है ना अब कितना आर क्यू बटा में आर क्यू अब बड़का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तो आर के 8 के क्यू कर दे ठीक है बड़का गोला के त्रिज्या कितना 8 है तो 8 के क्यू कर दे और छोटका गोला की त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर तो 2 के क्यू कर दे क्लियर है बात अब देख कितना आसानी से बनेगा 8 के 3 बार लिख दे वो 8×8×8 और 2 के 3 बार लिख दे 2×2×2 क्लियर है 2 × 2 = 8 है ना फिर 2 × 2 = 8 फिर 2 × 2 = 8 4×4×4 4×16 = 64 गोले बनाए जा सकते हैं क्लियर है अलग बात है ना तो ज्यादा कैलकुलेशन करके हैं पाई से पाई कर जाए मान रखे की जरूरी क्लियर सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है अब एक हमने ट्रिक से बना जब ये पिघलावे के बाद कब कभी कर्म पिघलाए जा सकते हैं गलाए जा सकते हैं है ना इस टाइप कितने गोले बनाए जा सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो दिमाग में इतने रखे के कथ निकाले क्या आयतन क्लियर अलग बात ठीक है अब देखो हमने ट्रिक से कहने वाला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोले बना जाए यानी देख तो लास्ट में यहाँ भी क्यू करे के भला की ना किरे आयतन तो क्यू करे के भला का तो की के लिए 10 के क्यू कर देली क्लियर है और कथी कहते हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तो 1 के क्यू क्लियर है अब 10 के क्यू कितना 1000 अब बट्टा में कितना 1 अब 1 से भाग दें तो कोई फर्क पड़ा ना कितना निकल गया तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे के समझना क्लियर है अब ये फॉर्मूला लेके जोड़ी नहीं ना याद रखे जब ये पिघलाए के बाद कर गोला के बाद कर तो बड़का गोला के जो त्रिज्या है ओकर क्यू कर दे आ छोटका गोला जब पूछत कितने बनाए जा सकते इतना सेंटीमीटर वाले ओकर क्यू करके भाग दे देबे क्या क्लियर है कोई पाई के मान 4/3 फॉर्मूला रूला कुछ लिख ले तो ये हो गए ट्रिक ये हो गए बेसिक दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए देख अभी क्वेश्चन देखे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ध्यान से देखा क्या ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन है कहते यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए ठीक है ना तो उसका घनफल कहे चाहे आयतन कहे दोनों शब्द बराबर है पहले तो ये क्लियर कर ले घनफल कहे चाहे आयतन कहे दोनों के मतलब बराबर है इसमें कोई दिक्कत नहीं ना ठीक है अब कहते कि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए यानी दू गो गोला रहने बात है तो एगो गोला पहले ओकर त्रिज्या कितना रहल है आर रहल मतलब एगो गोला ही त्रिज्या अगर आर है अब फिर दोसर का गोला है ओकर त्रिज्या कथी है दुगुनी तो आर है ओमे 2 से गुना करले कितना 2r एमे कोई दिक्कत है नहीं क्लियर होलक बात एकर संख्या है बना सकै छी आ वैसे भी हम आर एक्स वाई जेड भी मान के बना सकै छी पहले एकर त्रिज्या रहल आर अब एकर त्रिज्या दुगुनी कर दिया क्वेश्चन में 2r तो कहि तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा अब घनफल मतलब आयतन एकर आयतन लिखम एही गोला के भी आयतन सेम फार्मूला कितना 4/3 पाई आर क्लियर है बात अच्छा एकरो फार्मूला कथी 4/3 पाई आर क्लियर है पाई आर की है ना दोनों के आर अलग अलग ले लिया है दुगुनी कर दिया बड़का गोला बन गया दुगुना एकर त्रिज्या मान ले 7 है एकर जब है दुगुना कर 14 बन सोचे वाली बात ही बड़का है तो इला बड़का आर से सूचित कर ले इसे कोई डिफरेंट फर्क ना पड़त जोन चीज से माने सूचित कर सके ठीक है अब देख कहते कितना गुना हो जाएगा अब ध्यान देख इधर भी 4/3 कट गया इधर भी पाई कट गया क्लियर है यही में आर के वैल्यू आ रहे हैं तो खाली बदल कथी आर की यही में त्रिज्या 2r भ गेल है तो r के जब कथी लिखम 2r यानी 2r के होल है में कोई दिक्कत है यानी r क्यू और बराबर 2 दुना 4 दुना 8 2 के क्यू 8 और r की पावर 3 तो r की पावर 3 r क्यू से r क्यू कट गेल इन्हें बचलक 1 और इन्हें बचलक 8 अब 1 से कै गुना 8 है तो 8 गुना 8 तो कितना गुना वृद्धि हो गेल 8 गुना
समझ में अलग बात ज्यादा माने के ना वैसे बना सके माना की त्रिज्या बराबर आर नए गोले की त्रिज्या बराबर 2 आर लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो इतने सोचे के ठीक है दू को फिगर बनावे क्या सोचे 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 आंसर ला देवे क्लियर है ना। अब ये क्वेश्चन एहू से बढ़िया है देखो कहते यदि किसी गोले की त्रिज्या 50 फुट से बढ़ जाती है यही में कई तरह की 2 गुनी हो जाती है तो गुना कर दिए यही कहते 50% बढ़ जाती है क्लियर है अलग बात तो कोई संख्या बनाए पटाख से बन जाए क्लियर है। अब लिखा माना कि गोले की त्रिज्या 50 से बढ़ जाती है तो पहले गोले की त्रिज्या कोनो संख्या मान ली लेकिन कोशिश रखे क्या सम संख्या मानो सम संख्या मानो तो कैलकुलेशन ना आसानी से हो जाए क्लियर है बात ना। जैसे गोले की त्रिज्या कितना 50% बढ़ जाती है तो लिख ली माना कि ना 25 में मानम वो 25 में मानम बन जाए कोई दिक्कत ना है लेकिन ऐसा संख्या मानो जो सम संख्या सट कट तो लिखे क्या माना कि गोले की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर मान ली कोई दिक्कत नहीं ना। अब कही तो 2 में 50% बढ़ जाए मतलब नए गोले की त्रिज्या जब बढ़ा नए गोले की त्रिज्या कितना 50% बढ़ रहा है और 50% मतलब आधा तो 2 के आधा कितना 1 1 से बढ़ गया तो 2 मतलब कितना 2 आ 1 3 अब समझे कि मुंह से भेगल अब कैसे बढ़ रही है 2 गुने और जितना वृद्धि है 100 में जोड़ देवे कितना 150 अब बट्टा में कितना लिखे 100 50% वृद्धि ठीक है देख वो कहना 3 आ जाए 1 0 से 1 0 5 से 5 2 10 5 3 15 2 से 2 कट गया कितना आ गया 3 अब मुंह से भी समझ में आ गया कि 50% बढ़ जाती है तो पहले 2 है 2 के आधा कितना 1 और 2 में 1 जोड़ ली कितना 3 समझ में आ गया तो कितना अब गोले की त्रिज्या कितना 3 है तो कहते उसका वक्र पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा क्लियर है। अब दोनों के वक्र पृष्ठ एगो पहले वाला गोला का वक्र पृष्ठ बराबर दूसरे गोले का वक्र पृष्ठ ठीक है बस जस्ट उसे बना लेते है ना। अब पहले गोले का वक्र पृष्ठ कितना फॉर्मूला कथी है 4πr² क्लियर है अब बराबर दूसरे गोले का फॉर्मूला 4πr² लेकिन मैं कैपिटल आर लिख लू क्लियर है पाई से पाई कट गया आर से आर कट गया ठीक है ना। अब देखे क्या आगे आर स्क्वायर अब आर के वैल्यू कितना है पहले वाला गोला का वैल्यू कितना आर मान लीजिए त्रिज्या 2 2 के स्क्वायर यहां कर ले और बराबर आर क्यूब बड़का त्रिज्या कितना 3 आ गया तो 3 के क्यूब कर ले क्लियर है बात ना एको कोई दिक्कत ना। अब 2 के स्क्वायर कितना 4 और 3 के स्क्वायर कितना 9 अब 4 से कई गुना ही बढ़ गए अब तो 4 के अति में है ना पारा में है ना तो की करब 9 में 4 से भाग दे दे तो 9 में 4 से भाग दे तो क्या बढ़ता है 4 2 8 है ना 4 2 8 और कितना 1 बच गया यानी 2.1/4 कितना आएगा 2.1/4 गुना बढ़ जाएगा क्लियर ये ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन है क्लियर है लगभग समझ आ गया 3 के फर्जी सर ठीक है चल सुधार ले कोई बात नहीं स्क्वायर तो कल ही की वो यहां स्क्वायर था लिख रहा मिस्टेक हो गया सॉरी स्क्वायर लिखा 3 के स्क्वायर 9 वाला बाकी सब ठीक है ना कोई दिक्कत ना।